विस्तार के 3 दिन बाद नहीं हो पाया विभागों का बंटवारा, शरद पवार बोले शुक्रवार तक बंट जाएंगे विभाग। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान, कांग्रेस को चाहिए ग्रामीण इलाकों से जुड़े मंत्रालय, लेकिन शिवसेना या एनसीपी से विवाद नहीं। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार महाराष्ट्र की झांकी नहीं, शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया महाराष्ट्र का अपमान। मातोश्री में ठाकरे परिवार से मिले राज्यपाल कोश्यारी, रात का खाना भी साथ खाया। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी का 67 साल की उम्र में दिल्ली में निधन, शरद पवार ने बताया निजी क्षति। डीपी त्रिपाठी एनसीपी के गठन से शरद पवार के साथ थे, सोनिया गांधी के विरोध में छोड़ी थी कांग्रेस। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शिवसेना पर तंज, बोले मुंबई के मातोश्री से नहीं दिल्ली के मातोश्री से चलेगी उद्धव ठाकरे सरकार। पालघर की रैली में फडणवीस के शिवसेना पर ताबड़तोड़ हमले का, 5 साल नहीं चलेगा गठबंधन। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने के लिए बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन को बताया जिम्मेदार, बीजेपी ने खड़से की बेटी रोहिणी खड़से को दिया था टिकट। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस हाउसिंग के लिए किया भूमि पूजन, आदित्य ठाकरे भी थे साथ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कुएं में गिरी, 2 की मौत, 3 घायल। अकोला में 2 मंजिल जर्जर इमारत हुई धराशायी, 8 से 10 लोग बाल बाल बचे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 3 महिलाएं। गुजरात के अमरेली में शेर के शिकार करने का वीडियो आया सामने, शेर ने गौवंश का किया शिकार। कार चालक ने शेर को भगाने की कोशिश की लेकिन शेर अपने शिकार को लेकर झाड़ियों में छिप गया। साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा टाटा ग्रुप, एनसीएलएटी ने दिया था आदेश। ट्रेन में अब मूवीज और दूसरे पसंदीदा कार्यक्रम मुफ्त में देखे जा सकेंगे, एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड नाम से खास सुविधा शुरू। आरबीआई ने जारी किया नकली नोट की पहचान के लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप, मनी के नाम से होगी पहचान। विजय माल्या की जब्त संपत्तियों की नीलामी को कोर्ट की मंजूरी, एसबीआई की अगुवाई वाला समूह लगाएगा बोली। ई कारों की कीमतों में जल्द आ सकती है गिरावट, देश के पहले ईवी बैटरी प्लांट में जल्द शुरू होगा उत्पादन। रिलायंस जियो इन्फोकॉम म्यूचुअल फंड और वित्तीय उत्पादों के कारोबार में उतरेगा, जियो मनी के जरिए की जाएगी बिक्री। 320 अंकों की बढ़त के साथ 41,626 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 99 अंक बढ़कर 12,282 पर बंद। 80 रुपए की बढ़त के साथ 40,350 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना, चांदी 200 रुपए बढ़कर 47,650 रुपए प्रति किलो। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। गणतंत्र दिवस परेड के लिए इस बार महाराष्ट्र की झांकी को नहीं चुना गया है। इस फैसले से महाराष्ट्र के मंत्री काफी नाराज हैं। उनका ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। क्या वाकई ऐसा है, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। साल 2018 में महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दर्शाती झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान मिला था, पर इस बार 26 जनवरी की परेड में महाराष्ट्र की झांकी नहीं दिखेगी। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई जाने वाली झांकियों को लेकर इस बार केंद्र सरकार के पास कुल 56 प्रपोजल आए थे, लेकिन महाराष्ट्र का प्रपोजल पास नहीं हुआ। इस पर महाराष्ट्र के मंत्री और नेता बिफर गए हैं। आपकी सत्ता जाने से आप इतने व्यथित है कि आप ये रिश्ता भी भूल गए कि भारत का एक हिस्सा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है। बंगाल और स्वतंत्र संग्राम में जितना बलिदान, जितना खून महाराष्ट्र और बंगाल ने बहाया है, चाहे शायद किसी ही ऐसे प्रदेश ने नहीं बहाया है। सबसे ज्यादा समाज सुधारक इसी प्रदेश से निकले हैं, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी इसी प्रदेश से निकले हैं।
हमें लगता है मोदी जी का या केंद्र सरकार का ये निर्णय गलत है, उन्हें समझना पड़ेगा गणतंत्र है और उसी दिन आप राज्यों के अधिकारों को नाकारते हो, इसीलिए तो जनता कहीं ना कहीं इन्हें सबक सिखाने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के साथ साथ पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव भी निरस्त हुआ है। शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत को इसमें षड्यंत्र नजर आता है। महाराष्ट्र की झांकी को शामिल न किए जाना उन्होंने राज्य का अपमान बताया और कहा कि ये बदले की राजनीति है। राउत ने कहा कि वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के झांकी को हटा दिया गया? कारण क्या है? कारण कुछ भी हो, लेकिन क्या दोनों राज्य में सरकारें बीजेपी के विचारधारा की नहीं है, ये कारण है या और कुछ कारण है? शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह भी कहा कि यही कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ होता तो महाराष्ट्र बीजेपी हमलावर हो जाती। पर बता दें कि 2020 से पहले महाराष्ट्र की झांकी 1972, 1987, 1989, 1996, साल 2000, 2005, 2008, 2013 और 2016 के गणतंत्र दिवस परेड में भी नहीं दिखी थी, जबकि 2013 में केंद्र और राज्य दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकारें थीं और 2016 में केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। गणतंत्र दिवस की परेड में जो झांकियां शामिल होती हैं उनका चयन एक लंबी प्रक्रिया के बाद होता है। इसमें रक्षा मंत्रालय की तरफ से राज्यों मंत्रालयों से प्रपोजल मांगे जाते हैं, एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा कई दौर की मीटिंग होती है और इसके बाद कौन सी झांकी दिखाई जाएंगी इस पर फैसला लिया जाता है। झांकी का चयन थीम, कॉन्सेप्ट, डिजाइन और विजुअल इम्पैक्ट के आधार पर तय किया जाता है। हर साल अलग अलग राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाती है ताकि सबका नंबर बारी बारी से आता रहे। इस साल होने वाली परेड में कुल 22 झांकियां दिखाई जाएंगी। इनमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से होंगी जबकि 6 मंत्रालयों की तरफ से होंगी। सौरभ वक्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मंत्रालय बंटवारे को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में खींचतान मची है। कांग्रेस दो ऐसे मंत्रालय अपने पास चाहती है जो शिवसेना देने को तैयार नहीं, इसीलिए आज भी विभागों का ऐलान नहीं हो पाया। अब शरद पवार ने कहा है कि कल तक विभागों का ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र में येन केन प्रकारेण सरकार तो बन गई, मंत्रियों ने शपथ भी ले ली, लेकिन अब असली परीक्षा है मंत्रियों में मंत्रालयों के बंटवारे की। चूंकि सरकार 3 दलों ने मिलकर बनाई है, लिहाजा मंत्रालयों का विभाजन आसान काम नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में अभिभावक की भूमिका निभा रहे शरद पवार ने जानकारी दी है कि अगले 24 घंटे के भीतर सभी विवाद, खींचतान और कानाफूसी पर फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन सूत्रों से खबर आ रही है उसके मुताबिक कृषि मंत्रालय और राज्य रोड विकास विभाग को कांग्रेस अपने पास रखना चाहती है, जिसे फिलहाल शिवसेना ने अपने पास रखा है। संभावना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग कांग्रेस के अशोक चव्हाण को मिलेगा, जबकि खबर है कि कांग्रेस अशोक चव्हाण के लिए ही राज्य रोड विकास विभाग भी मांग रही है, लेकिन शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं है। कोई भी नाराज नहीं है, मेरा सामने मेरा चेहरा देखने के बाद मैं नाराज दिखता हूँ आपको। होम डिपार्टमेंट मिल रहा है आपको? अरे हमारे जो भी पवार साहब ने कागज दिया है उसी हिसाब से जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट मिलने वाले है, हम सभी में उसमें खुश है। पोर्टफोलियो के अलावा जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया है ऐसे नेता भी तीनों पार्टियों में हैं। कांग्रेस के विधायक संग्राम थोपटे के समर्थकों ने उन्हें महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने को लेकर पुणे में पार्टी ऑफिस पर ही हमला बोल दिया। कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से शीशे तोड़े, दफ्तर में रखे कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन को भी नहीं छोड़ा, जो चीज उनके सामने आई उसे तोड़ते रहे। संग्राम थोपटे पुणे की भोर सीट से विधायक है। सोलापुर में सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे को भी मंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर प्रणीति के समर्थकों ने धरना दिया। शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत को भी उम्मीद थी कि उनके भाई को कैबिनेट में जगह मिलेगी, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो संजय राउत नाराज हो गए। संजय राउत 30 दिसंबर को हुए शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद नहीं थे। अगर मेरी फैमिली की कोई बात होती है तो हमारे फैमिली में इस प्रकार का कोई परंपरा नहीं है सरकार में शामिल होने की। मैं इतने साल से सांसद हूँ, राजनीति में मैं कभी मंत्री पद का ख्वाब देखा नहीं। हम संगठन में काम करने वाली हमारी फैमिली है। सुनील राउत भी संगठन का कार्यकर्ता है, एमएलए है बहुत सालों से, लेकिन उनकी कोई ऐसी इच्छा हमें कभी दिखी नहीं।
बात ऐसी कि हम सरकार बनाने में हमारा योगदान रहा है, हमारा फैमिली का, हम सबका। अगर हम चाहे तो बन सकते थे, लेकिन हम नहीं बनेंगे। जबकि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने तक संजय राउत शिवसेना में सबसे मुखर नजर आते थे और वही लगातार एक ठाकरे मुख्यमंत्री बनेगा इसकी रट लगाए रहते थे। अब नए साल पर उनके एक फेसबुक पोस्ट से सस्पेंस और बढ़ गया है। राउत ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको तीन भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। माना यही गया कि संजय राउत ने ये पोस्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर रखकर लिखा है। हालांकि बाद में संजय राउत ने अपने फेसबुक वॉल से ये पोस्ट डिलीट कर दी। मुंबई से कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।